वो आप लोगों ने एक ऐसा बच्चा जरूर देखा होगा जिसकी शक्ल बड़ी अजीब सी होती है, उसके एक्सप्रेशंस भी सबसे हटकर ही होते हैं, उसका चेहरा देखकर सिर्फ और सिर्फ हंसी ही आती है। वो चाहे कॉमेडी करे या फिर गुस्से में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, लोग बस उसे देख हंस ही पड़ते हैं। और वैसा ही एक बच्चा आपके इस बॉलीवुड में भी है जिसे आप बड़े अच्छे से पहचानते हैं और जिसका नाम है अक्षय कुमार। ये भी बिल्कुल बच्चों की ही तरह पहले हर बार गलतियां करता है, फिर जब लोग इसकी बजाने पर उतर आते हैं तो ये वापस से बिल्कुल बच्चों की ही तरह और बिल्कुल भोली सी सूरत बनाकर माफिया मांगने लग जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो बड़ों को बेवकूफ बना देगा। बड़ों से मेरा मतलब है आम लोगों से, ऑडियंस से और व्यूवर्स से। और ऐसा इसने कोई पहली बार नहीं किया है, ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अभी जाने अनजाने में ही इससे और एक बहुत बड़ी मासूम सी मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक ये है कि इसने अभी पृथ्वीराज चौहान जी का किरदार निभा दिया है, जिसका ट्रेलर मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले अपनी आंखों से देखा है। अब ट्रेलर देखकर कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ कि ये वही शख्स है जो ना जाने लगातार कितनी ही एक लाइन से कॉमेडी फिल्म्स बनाते जा रहा है। इसकी हर दूसरी फिल्म में जबरदस्ती की और ठूस ठूस कर कॉमेडी भरी जाती है, और अगर आप लोग गौर करिएगा ना तो कॉमेडी कर करके इसकी शक्ल भी एक पक्के कॉमेडियन की ही तरह लगने लग चुकी है आजकल। जो कभी किसी और मूवी में कोई सीरियस रोल भी अगर करता है, चाहे कितने भी दर्द भरे एक्सप्रेशंस दे देता है, उसे देख क्या पता क्यों मुंह से हंसी ही निकल जाती है। अब आप लोग ही बताओ, ऐसा आदमी जो नशा, तंबाकू, गुटखा बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बढ़ चढ़ कर एंडोर्स करता है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग को पूरे तरीके से बढ़ावा दे रहा होता है, आखिर कैसे और किस मुंह से और इतनी जुर्रत इसकी आखिर कैसे हो जाती है कि ये पृथ्वीराज चौहान जी का रोल करने के लिए तैयार भी हो जाता है। हुई ना हैरानी, शायद इसे ही बेशर्मी कहा जाता है। खैर, अब जब इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठा ही लिया है और अपनी मन मर्जी इन्होंने और एक बार करके दिखा डाली है, तब तो इसके रिपरकशंस भी तो फेस करने पड़ेंगे ना भाई साहब। और अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जब से ये ट्रेलर रिलीज किया गया है आम लोग और एक बार जम करके इसके ऊपर भड़क चुके हैं, और अब कोई भी इसकी फिल्म देखने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा भाई साहब। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।